Dear students, welcome to home classes. Today we will discuss about the new chapter, that is chapter number 2, class 11, environmental science, ecology. तो सबसे पहले आपके ecology में जो आपका सिलेबस है, जो आपका जेके बोस है, उस सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे. तो सबसे पहले हम इकोलॉजी का डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, और साथ साथ में हम इसके कंसेप्ट और इसके टाइप्स, इकोलॉजी को हम कितने ग्रुप्स में इनको अलग क्लासिफाई करते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट की ओर जाते हैं. तो जैसे हमने फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ा है कि इन्वायरमेंट जो है वो क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसका कंसेप्ट, तो यहाँ पे भी हम पहले इकोलॉजी. तो सबसे पहले इज यू ऑल नो दैट द थिंग्स अराउंड अस आर क्लासिफाइड इनटू बायोटिक एंड अबायोटिक ग्रुप्स. जो हमारे आसपास जितने भी चीज़ें हैं इस इन्वायरमेंट में, उनको हम दो ग्रुप में बांटते हैं, बायोटिक और एबायोटिक में. बायोटिक आपका लिविंग पार्ट और एबायोटिक आपका नॉन लिविंग जो कंपोनेंट है. जैसे द बायोटिक ग्रुप्स इंक्लूड्स ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड द एबायोटिक ग्रुप्स इंक्लूड द नॉन लिविंग मटीरियल्स लाइक सॉइल, एयर, वाटर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, सनलाइट एट्सेट्रा. द बायोटिक ग्रुप आर द कंपोनेंट्स, द बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स एग्जिस्ट इन एन एनवायरमेंटल सेटिंग इन देयर सराउंडिंग अलॉन्ग विद देम. Every aspect of life is influenced by the environment, and the activities of the organisms affect their environment. जो environment है और इसके जितने भी components हैं, जितने भी activities, जितने भी organisms environment के अंदर कर रहे हैं, इससे environment पे भी असर पड़ता है, और environmental settings से जो आसपास के जो इसमें रहने वाले living beings हैं, उन पे भी असर पड़ता है. जैसे हम अभी देखते हैं, जैसे तेज़ धूप होती है हमें गर्माइश का एहसास होता है, या जैसे मौसम ठंडा हो जाता है, बारिश होती है तो हमें ठंड का एहसास होता है हमें. तो ये सारी चीज़ें जो आप एक रिलेशनशिप के थ्रू समझ सकते हैं. तो इन सारे चीज़ों को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक डिस्टिंक्ट ब्रांच जो है बायोलॉजी की, हम उसकी स्टडी करते हैं. एक जो डिस्टिंक्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, जिसको ये काम, ये सारे चीज़ों की स्टडी को असाइन करवाया है, जो जो आपका ब्रांच है उसको हम कहते हैं इकोलॉजी. आई मीन द डिस्टिंक्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट इज डिवोटेड टू स्टडी द इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स एज वेल एज द रिलेशनशिप अमंग द इंडिविजुअल ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स. एंड दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज नॉन एज इकोलॉजी, जिसके बारे में आज हम यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, द वर्ड इकोलॉजी वॉज फर्स्ट प्रपोज बाई राइटर इन 1885. इट इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स ऑइकस मीनिंग द डिवेलिंग प्लेस आर होम आर हैबिटेट एंड लोगस मीनिंग द स्टडी आर डिस्कोर्स. तो जो टर्म आपका इकोलॉजी है, ये दो शब्दों से, दो ग्रीक वर्ड से निकला है. ऑइकस जिसका मतलब है आप घर या जहाँ पे हम रहते हैं, और लोगस मीन स्टडी और साइंस. दस द वर्ड इकोलॉजी. तो इस तरीके से हम इकोलॉजी को हम लिटरेरी तौर पे क्या समझेंगे, द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट. तो डियर स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं. ये आपका है इकोलॉजी. Ecology means the study of the relationships between organisms and their environment and the balances between these relationships. जो balance है उसको हमने कैसे maintain रखना है, और साथ साथ में जो environment और इसके बाकी सारे जो organisms हैं, जो इसके components हैं, biotic और abiotic, उनके बीच की जो relationships है उसकी study को हम ecology कहेंगे. तो यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स आपके सामने यहाँ दिखाए हैं. जो ब्लू वर्ड्स में दिखाए हैं वो एबायोटिक हैं, जो रेड में है वो बायोटिक हैं, मींस
ब्लू में जो है वो नॉन लिविंग फिजिकल कंपोनेंट, और रेड में जो है आपका लिविंग कंपोनेंट। जैसे आपके पास यहाँ इंसेक्ट दिखाया हुआ है, प्लांट्स हैं आपके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, दीज ऑल आर द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। एंड एयर इन ब्लू वर्ड्स दैट इज एयर, CO2, O2, सनलाइट एट्सेट्रा आर एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। तो चलें आगे बढ़ते हैं। तो इकोलॉजी जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया है उसी को हम थोड़ा सा फिर से पढ़ लेते हैं। द मीनिंग ऑफ द वर्ड इकोलॉजी वॉज गिवन बाई जर्मन बायोलॉजिस्ट हैकल इन 1869। द वर्ड इकोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओइकस मीनिंग हाउसेज, हैबिटेट, प्लेस ऑफ लिविंग, और लोगस मीनिंग टू स्टडी। तो ये आपका इकोलॉजी का डेफिनेशन हो गया है। तो सबसे पहले आपके सिलेबस में ये यूनिट आपका 7 मार्क्स का है, तो इसमें जो पहला आपका सब टॉपिक है इकोलॉजी, तो जिसकी स्टडी हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन फिर से मैं आपको एक रिवाइज कर देता हूँ थोड़ा सा। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद देयर एनवायरमेंट। इट इज़ कंसर्न विद द जनरल प्रिंसिपल्स दैट अप्लाई टू बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ये इकोलॉजी जो है एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इसलिए बोला है क्योंकि इसमें हम प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की स्टडी करते हैं, इसीलिए हम इसको एक बायोलॉजी की एक ब्रांच मानते हैं। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि जो ये रिलेशनशिप्स है इनकी स्टडी हम कैसे करते हैं। मान लो यहाँ पे आप एक गार्डनर हैं जो आपके सामने देखो यहाँ पे बगीचे में काम कर रहा है। अक्सर हम ये करते हैं कि जब भी हमारे बगीचे में फूल, आपके जो भी फसल वगैरह सब्जियां आपने लगाए हैं उसमें अगर हम इंसेक्ट्स या कोई भी कीड़े लग जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो इंसेक्ट्स हैं उनको मार दिया जाए। तो बेशक उस इंसेक्ट्स को मारने से हमें फ़ायदा हुआ है, हमारे क्रॉप्स, हमारे जो भी वेजिटेबल्स हैं, हमारे जो भी फ्लावर्स हैं वो बच गए हैं, लेकिन उस इंसेक्टिसाइड से सिर्फ कीड़े मकोड़े मर रहे हैं, उसके बदले में उस इंसेक्टिसाइड्स ने आपके सॉइल को, आपकी मिट्टी को बिल्कुल नुकसान पहुंचाया है। तो इसलिए हमें ये समझना बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि जो इंसेक्ट को मारने के लिए हम इंसेक्टिसाइड्स, कई किस्म के वीडिसाइड्स, कई किस्म के जो कीटनाशक दवाइयाँ हम इस्तेमाल करते हैं उससे सिर्फ आपके फसल बचते हैं, लेकिन बदले में वो हमारे इन्वायरमेंट को बिल्कुल ख़राब कर देते हैं, कई किस्म के पोल्यूशन फैलाते हैं, सॉइल पोल्यूशन है जैसे, वाटर पोल्यूशन है जैसे। तो इसलिए हमें इकोलॉजी को यहाँ समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो नेक्स्ट इसके टाइप्स पे हम जाते हैं। इकोलॉजी इसके दो टाइप्स हैं, ऑटो इकोलॉजी फर्स्ट एंड सेकेंड इज सिन इकोलॉजी, सिन इकोलॉजी। तो सिन इकोलॉजी को हम फर्दर फिर से 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट है पॉपुलेशन इकोलॉजी, फिर कम्युनिटी इकोलॉजी एंड देन इकोसिस्टम इकोलॉजी। तो वन बाय हम इनकी ओर बढ़ते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इकोलॉजी आपके सामने है, देखें यहाँ सबसे पहले है ऑटो इकोलॉजी। ऑटो टर्म नाम से आपको पता चलता है, ऑटो मीन्स सेल्फ, खुद, जैसे हम ऑटो ट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी पढ़ते आ रहे थे। ऑटो इकोलॉजी इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पॉपुलेशन, उसके पॉपुलेशन और एक ऑर्गेनिज्म की हम जो स्टडी करते हैं इकोलॉजी के अंदर वो आपका है ऑटो इकोलॉजी। द इकोलॉजिस्ट स्टडी द बिहेवियर एंड एडेप्टेशन ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज टू द इन्वायरमेंटल कंडीशन एट एवरी स्टेज ऑफ दैट इंडिविजुअल लाइफ साइकिल। उस इंडिविजुअल के पूरे लाइफ के साइकिल में उसका अपने इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर, जैसे जैसे इन्वायरमेंट, जो हम कहते हैं कि इन्वायरमेंट इज़ अ डायनेमिक सिस्टम, कि वो एक इट कीप्स ऑन चेंजिंग, ये कभी एक जैसा नहीं रहता है। तो हम यहाँ पे जो इकोलॉजिस्ट होते हैं वो सबसे पहले एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अपने पूरे लाइफ साइकिल में अपने इन्वायरमेंटल कंडीशन के साथ कैसे कैसे अपने बिहेवियर को, अपने आप को अडॉप्ट करते हैं उसकी स्टडी हम यहाँ करते हैं। इसीलिए हम इस ऑटो इकोलॉजी को हम स्पीशीज इकोलॉजी भी कहते हैं। देन सेकेंड इज साइन इकोलॉजी, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ कम्युनिटीज। ये कम्युनिटी जैसे आप जानते हैं, पहले इंडिविजुअल, इंडिविजुअल से पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटीज। तो यहाँ पे हम कम्युनिटी की स्टडी करते हैं, उनकी बनावट क्या है, उनका बिहेवियर कैसा है, उनका जो रिलेशन जो है इन्वायरमेंट के साथ कैसा है, उसको हम सेन इकोलॉजी कहते हैं।
तो ये आगे हमने जैसे अभी आपको फ्लो चार्ट से भी दिखाया, इसकी तीन टाइप्स हैं, पॉपुलेशन इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी और इकोसिस्टम इकोलॉजी। तो यहाँ हम एक एक करके इनको आगे फर्दर इनको एक्सप्लोर करेंगे। जो आपका पॉपुलेशन इकोलॉजी है, इट डील्स विद स्टडीज ऑफ स्ट्रक्चर एंड डायनेमिक्स ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी में हम सबसे पहले जो आपका इकोलॉजी, उसका स्ट्रक्चर, उसके डायनेमिक्स, मतलब पॉपुलेशन जो है कैसे बढ़ते हैं घटते हैं, मोर्टिलिटी नेटलिटी, उन सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं, और उससे आपकी उस आप पॉपुलेशन पर क्या असर पड़ता है, हाउ एंड वाई अ पॉपुलेशन वेरीज ओवर टाइम, समय के साथ साथ जो आपकी जनसंख्या है, आबादी है, वो कैसे बढ़ते हैं घटते हैं, उस क्यों उस पर फ़र्क आता है, इसकी स्टडी करेंगे। ए पॉपुलेशन इकोलॉजिस्ट स्टडीज द इंटर रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद देयर इन्वायरमेंट बाई एनालाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ पॉपुलेशन रैदर देन द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। एक इकोलॉजिस्ट जो पॉपुलेशन इकोलॉजी की स्टडी करते हैं, वो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म और उसकी इन्वायरमेंट की स्टडी, उसके जो बीच में जो इंटर रिलेशन हैं उनकी स्टडी करते हैं। दूसरा आपका नेक्स्ट है कम्युनिटी इकोलॉजी, इट डील्स विद द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म दैट इज द फीडिंग रिलेशनशिप अमंग स्पीशीज और हु हेल्प हु कम्पीट्स विद होम एंड फॉर वट रिसोर्सेज एंड हाउ दोज इंटरेक्शंस अफेक्ट कम्युनिटी स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम सबसे पहले स्टडी करेंगे कि किस तरीके से अलग अलग स्पीशीज जो हैं एक इन्वायरमेंट के अंदर और एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं फीडिंग को लेके, जैसे हम फूड चेन में स्टडी करते हैं, फूड वेब में स्टडी करते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे इसमें पढ़ेंगे। देन इकोसिस्टम इकोलॉजी, जो इकोसिस्टम आपका यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ एंड स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम आपका दूसरा जो है नेक्स्ट सब टॉपिक है, वहाँ पे हम इनकी इसके बारे में पूरी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इकोसिस्टम इकोलॉजी, इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज एनिमल्स प्लांट्स एंड माइक्रोब्स टुगेदर विद एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ देयर इन्वायरमेंट इंटर रिलेटिंग एज अ सिस्टम। एक इकोसिस्टम आप एक पूरे नेचुरल इकोसिस्टम की बात करते हैं, तो पूरे आप एक जंगल को ले सकते हैं, छोटे से छोटा अगर आप एक इकोसिस्टम आर्टिफिशियल की स्टडी करना चाहते हैं, तो एक आपके घर में एक गमला होगा, पॉट जिसके अंदर एक प्लांट है, उसको भी आप समझ के भी इकोसिस्टम को हम स्टडी कर सकते हैं, कैसे उस गमले के अंदर जो पौधा है, जो मिट्टी है, उसके आसपास मॉइस्चर है, वाटर है, सनलाइट है, टेम्परेचर है, इन सारे चीज़ों को जब आप बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे, तो आप पाएंगे कि वहाँ पे एक क्लोज, बहुत ही एक इंट्रिकेट रिलेशनशिप है जिसकी हम स्टडी करेंगे, उसको हम कहेंगे इकोसिस्टम इकोलॉजी। तो ये फर्दर हम इसको आगे फिर से डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना।